सो हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ Vivo T1 Pro 5G मोबाइल में दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे किया जाता है। जैसे कि दोस्तों आप जो है अपने फ़ोन में दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग को चालू करना चाहते हैं और उसमें दोस्तों जो है जैसे चालू करते हैं या चालू नहीं होता है या दोस्तों जो है चालू हो जाता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दोस्तों आपका वॉइस नहीं जो है सिलेक्ट होता है, यानी आपका आवाज़ नहीं ऐड होता है उसमें, या माइक लगाते हैं या बिना माइक के ही दोस्तों यूज करते हैं जो है वॉइस नहीं आता है। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए सबसे पहले अपने स्क्रीन पैनल को नीचे को यहाँ पे करेंगे और साइड में आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन हो रहा है, सिंपली दोस्तों इस पर आपको जो है उंगली जो है इस तरह से टच करके रखना है, ठीक है। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पे देखेंगे दूसरे नंबर रिकॉर्ड साउंड का ऑप्शन हो रहा है, ठीक है। सिंपली दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आप जो है जैसे माइक यूज करते हैं या दोस्तों नहीं यूज करते हैं तब भी दोस्तों एक ये फीचर आप यहाँ पे ले लीजिए, जैसे सिस्टम ऑडियो एंड माइक्रोफोन साउंड, ठीक है। इस पर अगर आप टिक कर देंगे, ठीक है, तब दोस्तों आपके फोन में जो है माइक लगाएं या ना लगाएं लेकिन दोस्तों जो है आपका वॉइस जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ऐड होता रहेगा, आवाज आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखेंगे पिक्चर क्वालिटी का ऑप्शन हो रहा है, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग HD में चाहिए या लो में चाहिए उस हिसाब से आप जो है अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। हमारे लिए दोस्तों हर कोई चाहेगा कि HD में स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो, तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हाई का ऑप्शन हो रहा है, सिंपली दोस्तों ऊपर आपको टिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों ये हाई में ऐड हो चुका है, ठीक है। दोस्तों यही हमारी इसमें मेन सेटिंग थी, ये हमारी सेटिंग हो चुकी है, ठीक है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाए और ऊपर दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन ना आए तो आप दोस्तों इसे जो है डिसेबल नोटिफिकेशन रिकॉर्डिंग को आप जो है यहाँ इसे जो है इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसे दोस्तों जो है इनेबल करने की जरूरत नहीं, तो इसे बंद ही रखना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से जैसे कि हम बैक जाएंगे, ठीक है, अब आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों अपने स्क्रीन पैनल को हम नीचे को करेंगे और साइड में आएंगे और स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो चुका है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको बीच में रोकना है किसी भी कारण से तो इस पे क्लिक करेंगे और इधर दोस्तों यहाँ पे ये हमारा रुक चुका है, ठीक है। अगर दोस्तों फिर से आपको चालू करना है तो सिंपली दोस्तों फिर से इस पे क्लिक कर देंगे, अब दोस्तों जो है फिर से हमारी चालू हो चुकी है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको सेव करना है तो सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ साइड में किनारे इधर दोस्तों जो है इस पे क्लिक कर देना है, ये हमारा सेव हो गया। सिंपली इस पे दोस्तों आप अगर चाहें तो देख सकते हैं, दोस्तों देखेंगे हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग सक्सेसफुली वॉइस के साथ में दोस्तों हो चुका है, माइक भी नहीं लगा तभी दोस्तों हमारा वॉइस इसमें ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो है Vivo T1 Pro 5G मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेटिंग को सक्सेसफुली कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।